Thank you. क्या हो क्या आपको? आप मुझे थैंक यू कहेंगी? मुझे कैसी बातें कर रहे हैं आप? यूर एम्बैरेसिंग मी, प्लीज ऐसे मत कहें। नहीं, कदर तो करनी चाहिए ना सर। बटर, थैंक यू। ऑनेस्टली मामा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता हूँ। मैं जो कुछ भी प्लान कर लूं, जितनी भी एफर्ट कर लूं, मैं भाई को खुश नहीं कर पा रहा। दिस इज माई फेलियर, नॉट हिज। और मामा, मामा आपने जो मेरे लिए किया ना, मैं कुछ भी कर लूं, मैं उसके बदले में कुछ भी नहीं कर सकता। पूरो जी ना टिश्यू। मैं तो माँ हूं ना, मगर उसकी हालत मेरी आंखों के सामने, वो तकलीफ होती है। मामा आप क्यों इतनी फिक्रमंद हो रही हैं? ठीक हो जाएंगे वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह। मेंटली गुस्सा तो उसे हमेशा से आता था, मगर एक्सीडेंट के बाद किसी अटेंडेंट को भी टिकने तो नहीं देता। क्या करूं? तो क्या हुआ, मैं किस लिए हूं? मैं रखूंगा ना उनका ख्याल, मतलब मैं मैनेज कर लूंगा। बल्कि पोरो। जी सर। पोरो चेस्टी, वुड यू प्लीज डू मी अ फेवर? ऑर्डर सर। आज से आपने आवान सर का ख्याल रखना सिर्फ कुछ दिनों, ओके? आई एम सॉरी सर, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं चाय लेके आती हूँ। हाँ हाँ, इट्स ओके, मैं ख्याल रख लूंगा भाई का। मैं ऑफिस को मैनेज कर लूंगा। इनफैक्ट मैं आज ही एजेंसीज में भी कॉल करूंगा। वहां बहुत अच्छी केयरटेकर्स होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं, दे विल टेक केयर ऑफ भाई। क्या क्या करोगे? बिजनेस देखोगे? घर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा। मैं जानता हूं वो मुझे पसंद नहीं करते। वो कहते हैं मैंने उनसे उनकी मामा को छीन लिया। आपको क्या हो गया है मामा? बड़े हैं वो मुझसे, और अगर गुस्से में कभी कुछ बोल भी देते तो इट्स ओके। आप अभी पता है क्या करें, आप ब्रेकफास्ट करें। आपकी ये बहुत बुरी आदत है, आप ब्रेकफास्ट हमेशा ठंडा कर लेते हैं। प्लीज अब हैव योर ब्रेकफास्ट, ओके? और परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह।